बस्तर जिले के नारायणपुर अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर नक्सलियों पर बड़ा हमला बोला। बता दें कि इस हमले में अब तक सुरक्षा बलों द्वारा 5 नक्सलियों को मार गिराया है। जानकारी के अनुसार अबूझमाड़ में महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना पर 5 जिलों की संयुक्त टीम ऑपरेशन पर निकली थी। 2 दिनों तक नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बल के जवान अबूझमाड़ के घमंडी के जंगल में पहुंचे। इस दौरान नक्सलियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। वहीं जवानों ने मोर्चा संभालते हुए नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से देना शुरू किया। वहीं इस मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान करने पर 5 वर्दीधारी नक्सलियों के शव भी बरामद किए गए। प्रतिबंधित संगठन खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के उद्देश्य से बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत दिनों से काफी अभियान संचालित किए जा रहे थे। इसी सिलसिला में दिनांक 30 जून को जिला नारायणपुर के कोकामेटा, इरकबट्टी, मोहनथी, सोनपुर इत्यादि जगह से DRG, STF, ITBPM, BSF के संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान दिनांक 2 जुलाई को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल या महोदयों के बीच में अबूझमाड़ की गमंडी और हितलौर इलाका में कई बार मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के पश्चात इलाके का सर्चिंग के दौरान कुल 5 महोदयों का डेड बॉडी बरामद की गई थी। सभी 5 पुरुष महोदय हैं और उनकी मुठभेड़ स्थल से 1 .303 राइफल, 3 .315 बोर राइफल और काफ़ी बड़ी संख्या में मजल लोडिंग राइफल, VGL शेल्स और आर्म्स अम्यूशंस और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद किए गए थे। प्रथम दृष्टिया से ये जो कंपनी नंबर 1 जो सेंट्रल कमिटी मेंबर्स के लिए प्रोटेक्शन में जो कंपनी जो महोदयों का तैनात रहते हैं उसी का कैडर्स के रूप में इसका शिनाख्त की जा रही है। लेकिन अभी विस्तार का जो शिनाख्ती कार्रवाई भी